दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 134A के फॉर्म निकल चुके हैं या चिराग स्कीम के फॉर्म निकल चुके हैं। और इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली से फॉर्म डाउनलोड करना है और अपने नज़दीकी जो प्राइवेट स्कूल है, जो लिस्ट में नाम है इनके, उनके पास जाना है और उस फॉर्म को जमा कर देना है सिंपली से। बट कई कई स्कूल ऐसे भी हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो किस तरीके से देखेंगे आप, ये मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में देखने कौन कौन सी लिस्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजाबाद में, बनवान में, हरियाणा में, फिर जो भी है, पानीपत वगैरह, गुड़गांव वगैरह, जहाँ भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्कूल अलॉट किए गए हैं। तो जो हर स्कूल, जो मतलब हर की स्कूल के अंदर ये चीज़ नहीं अलाउ कर रखा है आपको 134A का या फिर चिराग सिंह का जो फॉर्म बोलते हैं, तो हर स्कूल इस लिस्ट में नहीं है, कुछ सिलेक्टेड स्कूल इस लिस्ट में है। तो कौन कौन से है, सिर्फ उसी का आपको फॉर्म भर करके और सबमिट करना है। फॉर्म जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो चिराग स्कीम के फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। ये रहा हरियाणा चिराग स्कीम जो है, या योजना बोल सकते हो आप इसको। और जो स्कूल की लिस्ट की वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो है आपकी स्कूल की लिस्ट खुल जाएगी। इसमें अम्बाला के स्कूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भिवानी के स्कूल दिखाई दे रहे हैं आपको, और नीचे करते हैं जाएंगे तो चरखी दादरी, फरीदाबाद के आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार, मात्र चार स्कूल इन्होंने फरीदाबाद के दिए। ये गलत किया है, इनको ज़्यादा स्कूल देना चाहिए क्योंकि फरीदाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक है और स्कूल भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इनको सीट बढ़ानी चाहिए। तो इस चीज़ पर शायद ये दोबारा से विचार कर सकती है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। नीचे फतेहाबाद की सीटें दे रखी हैं बहुत ज़्यादा, गुड़गांव की भी ठीक ठाक है, हिसार की भी सही है, और झज्जर की भी सही है, जींद की भी सही है, कैथल की भी सही है। तो आप देख सकते हैं सबके साथ इन्होंने ठीक ठाक सीट वगैरह दे दी है। बट लमसम मुझे ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद के साथ भेदभाव किया गया है, या कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद की जो सीटें हैं वो मात्र एक दो तीन चार स्कूल में दिखाई दे रही, जबकि ये पूरे स्कूल की दिखानी चाहिए इनको। इसका जो फॉर्म है आपको उस तरीके से मिल जाएगा डाउनलोड करके, आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, इसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट कर लेना, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आपको सिंपल से स्कूल में जमा कर लेना। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की है। यहाँ पे देखिए सीट डिक्लेरेशन का, यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज के सेशन में दिख जाएगा। यहाँ पे इनको आईडी पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड, जिसके पास होगा ये स्कूल वालों को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, इससे लॉगिन करके सीट की जो डिक्लेरेशन होगी वो करेंगे ये। तो आपका जो मेन सवाल था वो ये था कि स्कूल की जो लिस्ट है वो कहाँ से देखें, तो हम इसका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और यहाँ से आप अपने स्कूल का जो डाटा है, लिस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। और इसको देख करके आप जिस भी स्कूल में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं बच्चे का, वो देख लें, उसी का फॉर्म भरे और वहाँ ले आकर के आप जमा करवा सकते हैं। वो स्कूल वाले आपको मना नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी और स्कूल में जमा करवाएंगे तो वो आपको मना कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।